फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आपने मेरा अगला वीडियो देखा ही होगा कि मैंने एक राइड प्लान किया है अहमदाबाद टू मुंबई ऑन स्कूटर राइड। स्कूटर पे राइड करने वाला हूँ, बाइक पे नहीं हूँ। तो जो स्कूटर राइड के लिए मैंने जो मेरे जो राइडिंग गियर्स है उसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्या पुट ऑन कर रहा हूँ राइडिंग के लिए और क्या क्या चीज़ है जो मैं ले जाने वाला हूँ। तो थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसके बारे में बताता हूँ। अगर पहले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा हुआ है तो ये वीडियो के लास्ट में आप देख लेना, जिसको मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, तो आपको पता चल जाएगा जो मैंने राइड प्लान किया है। तो सबसे पहले ये हेलमेट जो है मेरा, जिसको मैं ले जाने वाला हूँ, ये कोई ऑर्डिनरी हेलमेट नहीं है। इसमें यह डबल विजनर वाला है, यहाँ पर आप देख रहे हो एक रेड कलर का बटन दिया है। अगर इसको मैं आगे की तरफ अगर प्रेस करता हूँ ऐसे, तो अंदर से जो एक दूसरा ग्लास आएगा। तो ये जो है नॉर्मल ग्लास है, उसके अंदर दूसरा एक ग्लास है। ये नॉर्मल ग्लास है, नॉर्मली आप मॉर्निंग टाइम पे यूज़ कर सकते हो। और ये जो ग्लास है सिल्वर कलर का, इसको आप धूप के टाइम यानी नून में और नाइट में यूज़ कर सकते हो। तो नाइट में जो रिफ्लेक्शन आता है वो ये जो मिरर है इससे कम हो जाता है रिफ्लेक्शन लाइट का, वो रात को ड्राइव करने में ईजीली रहता है। प्लस अंदर से एकदम कंफर्टेबल है और वेट भी इतना नहीं है दिखने में जितना बड़ा दिखता है। तो लो वेट वाला मटेरियल है। तो एक ये जो है हेलमेट है, दूसरा वो एक ये पावर बैंक ऐसे जो है लिको के, जो मैं दो ले जाने वाला हूँ। इसका भी एक वीडियो है, तो आप सर्च करके देख सकते हो कि इसके फीचर्स क्या, इसके प्राइस क्या है। और उसके साथ में एक USB केबल ले जाऊँगा, जिससे मैं अपना वेब कैमरा चार्ज करता रहूँगा। प्लस एक LED लाइट मैंने ली है, ताकि नाइट अगर लेट नाइट हो जाता है, अगर कुछ ज़रूरत पड़ती है लाइटिंग की, तो जो है मैं इसे इस तरह से जो इसकी लाइट कर सकता हूँ। इसके साथ में एक LED जो है मैंने यहाँ से साथ में लिया हुआ है। तो ये और भी देखिए एक अच्छा काम करे वीडियो के टाइम पे, लाइटिंग का काम करे। तो चलो मैं इसको थोड़ा चालू ही रखता हूँ, तो लाइटिंग थोड़ा अच्छा आएगा, ताकि फेस ग्लो वाला थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो एक आप साथ में कैरी कर सकते हो, अगर क्योंकि विंटर का टाइम है तो डार्कनेस जल्दी आ जाता है। तो अगर ऐसी लाइट होती है तो ड्राइव करो, या आपको पेट्रोल चेक करना है कितना है कि नहीं टंकी में, तो वो चेक कर सकते हो। अगर रात के टाइम में अगर कुछ बैग में से निकलना है तो ऐसी लाइट्स आप इजीली वो चेक कर सकते हो। जो भी चीज़ आपको छोटी निकालनी है, दवाई है या और कुछ भी है, तो ऐसी लाइट से। और ये जो होता है लाइट स्पेस कम यूज़ करता है, तो ईजीली आप उसको जेब में रख सकते हो, पॉकेट में रख सकते हो पैंट की। दूसरी एक है जो ये बैग है गॉस की, जिसका वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है अगले चैनल में। तो ये एक मैं कैरी करने वाला हूँ, ताकि इसमें क्या है सारी चीज़ें जो है इसके अंदर आ जाएगी। तो इसमें भी जो है स्पेस बहुत बड़ा है, लैपटॉप का भी है, इंटरनल डॉक्यूमेंट या पावर बैंक का जो कुछ भी अगर इसमें रखना है तो मैं इसमें रख सकता हूँ। अभी जब मैंने लास्ट मंथ हैदराबाद ट्रिप पर गया था, तो मैंने इसको ही यूज़ किया था। तो बहुत यूज़फुल, कम्फर्टेबल और लाइट वेट है। तो इसको मैं कैरी करने वाला हूँ एज ए क्लोथिंग बैग। फिर अभी रिसेंटली जो है मैंने ये मोबाइल होल्डर स्टैंड मंगवाया हुआ है अमेजोन से। तो मेरे पास स्कूटर है, नॉर्मली बाइक में आ गया हैंडल बार पे आ जाता है। तो स्कूटर में क्या होता है कि मिरर का जो एरिया है उसको निकाल के ये चीज़ यहाँ पे लगानी है। आप इसको इजीली ऐसे कर सकते हो जिस तरह से आपको सेट करना है, बस यहाँ बीच में मोबाइल रख सकते हो। तो अगर ऐसे इसको आप घुमाते हो पीछे से, तो जितनी भी बड़ी साइज़ का अगर आपका मोबाइल है तो ईजीली यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो इसको मैं एक रिसेंटली मंगवाया, तो इसके अंदर मैं मोबाइल होल्ड करके नेविगेशन में यूज़ कर सकता हूँ। तो उसको एक साथ में ले जाने वाला हूँ, प्लस इसको ऐसे आप फोल्ड कर सकते हो, नॉन अनब्रेकेबल है, इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। और अभी जो एक ग्लोव्स मैंने मंगवाया रिसेंटली, तो ये जो है राइडिंग ग्लोव्स है जिसको मैं कैरी करने वाला हूँ। तो मैं इसको दिखा दूँ कैसे रहेगा थोड़ा दिखने में, तो इस तरह से रहेगा। इसको मैंने पहन के देखा है, बहुत ही कंफर्टेबल और रिलायबल है। बस इसमें विंटर में भी यूज़ कर सकते हो, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट है। ये भी मैंने अमेजोन से ही मंगाया है। तो आज मैं जितनी भी चीज़ यहाँ वीडियो में आपको दिख रहा हूँ, सबका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। अगर आप इसको बाय करना या परचेस करना चाहते हो, तो डायरेक्ट लिंक से उसको परचेस कर सकते हो। या तो इसके फीचर्स के बारे में जानना चाहते हो कि कैसा है मटीरियल या क्वालिटी वाइज कैसा है, तो वो भी आप उसके थ्रू देख सकते हो कि जो चीज़ में ये हो सही में रिलायबल है कि नहीं। प्लस ये जो है नी पैड है, नी पैड और एल्बो दोनों का है, इसमें पैर आता है पूरा।
तो ये भी मैंने ऑनलाइन अमेजोन से ही मंगवाया हुआ है, तो उसका भी जो है मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर आप परचेज करना चाहें तो कर सकते हो। इस तरह से रहेगा, देखिए ये जो है एल्बो का है और ये नी का है, दोनों को वन बाय वन बता रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए इस तरह से रहेगा, एकदम फोल्डिंग है। अगर आप इसको ऐसे यहाँ से लगाते हैं, ये देखिए मैंने यहाँ पे लगवाया है, तो अगर हैंड ऐसे रहेगा तो इस तरह से रहेगा। अगर मैं यूँ फोल्ड करता हूँ तो यहाँ से ये फोल्ड होगा और एकदम स्मूथ है। मुझे यहाँ पे जरा भी ऐसा पेन जैसा फील नहीं हो रहा है अगर इसको मैं यहाँ से दूँगा। प्लस इसका जो मटेरियल है वो एकदम बढ़िया है, टिकाऊ है, ऐसा नहीं है। और ये जो है नी का है, तो यहाँ से अगर मैं पहनता हूँ तो अगर लेग अगर यहाँ से फोल्ड होता है तो एकदम ईजी और कम्फर्टेबल है। प्लस मटेरियल एकदम रिलायबल है। तो इसका भी लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो अगर आप सर्च करना चाहते हो, चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, ख़रीदना चाहो तो ख़रीद सकते हो। ये सारी चीज़ों में प्लस जो मेन चीज़ है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, इसके लिए मैं अपना ये एक्शन कैमरा कैरी करूँगा। अभी बाइक में नॉर्मली ईजी होता है, उसको हैंडल बार पर फिट कर सकते हो या हेलमेट पर लगा सकते हो, पर मैं इसको स्कूटर के ऊपर माउंट करने वाला हूँ, तो इसके लिए मैंने उसको थोड़ा बहुत प्रिपेयर करके यहाँ से रखा हुआ है किस तरह से सेट करें, क्योंकि स्कूटर में थोड़ा डिफिकल्ट रहता है उसको फिक्स करना। पर मैंने इसका थोड़ा सैंपल बना के रखा हुआ है किस तरह से होगा ये फिट। तो जब सारी चीज़ें पुट ऑन हो जाएगी और राइडिंग गियर्स में पहन लूँगा तो उसका एक स्मॉल इंट्रो बनाऊँगा कि किस तरह से मैंने पूरा प्रिपेयर किया हुआ है, ये कैमरा कहाँ पर लगा है, किस तरह से लगाया है, और हेलमेट जो है, प्लस एक निंजा मास्क है मेरे पास, तो उसको मैं अंदर पहनूंगा ताकि जो ठंडी हवा है या विंड तो ज़्यादा मुझे इफेक्ट नहीं करेगा, थोड़ा सेफ्टी कंसर्न जैसा हो जाएगा। नहीं तो स्कूटर में ज़्यादातर जो सामने से अगर विंटर के टाइम पे अगर ड्राइव करते हो तो थोड़ा रिस्की हो जाता है। बस ये मेरा, आप इसको राइडिंग जैकेट कह सकते हो या विंड सीटर कह सकते हो, ये मल्टीपर्पज़ वाला है। तो इसमें अगर रेंज का भी प्रॉब्लम होता है तो भी कंफर्टेबल है, विंटर में भी कंफर्टेबल है। तो इसमें जो इसको ये विंड सीटर है जिसको मैं पहन के स्कूटर राइड करने वाला हूँ। तो जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको बताई वो सारी चीज़ की जो है लिंक्स, सभी चीज़ों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो अगर आपके हिसाब से जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको सर्च कर सकते हो, प्राइस वाइज, क्वालिटी वाइज या कस्टमर रिव्यू वाइज। अगर आप भी मेरी तरह लेना चाहते हो तो वहाँ से आपको इजीली हो जाएगा लेने के लिए, तो लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बिलो। और फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ कि जिस लोगों ने मेरा अगला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के एंड में वो वीडियो को देख लेना, जो जिसमें मैंने बताया कि मैं जो राइड करने वाला हूँ अहमदाबाद टू मुंबई स्कूटर राइड, तो वो आप देख सकते हो। अगर आज का वीडियो में बस मुझे इतना ही बताना था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ताकि जो लोग इसके संबंधित जानकारी अगर जानना चाहते हैं तो उनको मिल सके, या जो चीज़ इसमें से कोई भी ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है या उसके रिव्यू पढ़ सकता है कि उसके लिए सही है नहीं है। तो बस आज के वीडियो में मुझे इतने बना था, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और नए हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मुझे बताइएगा लाइट की क्वालिटी कैसी है, क्योंकि अभी उसको मैंने मेरे सामने रखा हुआ है, तो इट्स लुक्स लाइक्स वेरी नाइस एंड डिसेंट। अगर डार्कनेस होता है तो इसका रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, प्राइस वर्थिट है मैं तो कह सकता हूँ। अगर जो भी टू व्हीलर राइड करते हैं या फोर व्हीलर में भी जाते हैं, अगर नॉर्मली टायर पंचर ऐसा कुछ चेंज करना है तो मोबाइल की बैटरी की लाइट से बेटर ये लाइट है, क्योंकि इसको आप पावर बैंक के साथ इसको जो है लगा सकते हो यूएसबी में, एकदम हैंडलिंग में ईजी रहेगा। प्लस लाइट फोकस इसका बहुत ही बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। अभी आपने जो वीडियो में देखा उसमें इसको ही मैंने फ्रंट में रखा हुआ था, अभी देखो मैंने उसको निकाल दिया था बैंड, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, लिव ए लाइफ, एंजॉय।